नमस्कार पॉलिटिकल बाबा में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोरंजन भारती और हमारे साथ हैं सदाब। आज हम चर्चा करेंगे कि कांग्रेस ने आखिरकार अपनी पहली सूची जारी कर दी है, उसमें 39 नाम है जिसमें कि छत्तीसगढ़, कर्नाटक, केरल, लक्षद्वीप की सीट, मेघालय की 2 सीट, नागालैंड की 1 सीट, सिक्किम की 1 सीट, तेलंगाना की 4 सीट और त्रिपुरा की 1 सीट है। शुरुआत करते हैं छत्तीसगढ़ से, जिसकी जानकारी आपको सदाब देंगे। बिल्कुल, तो देखिए छत्तीसगढ़ में जो है 6 नाम दिए गए हैं और इसमें विकास उपाध्याय को टिकट दिया गया है रायपुर से। देखिए विकास उपाध्याय के बारे में बता दें कि पूर्व विधायक हैं, मजबूत उम्मीदवार माने जाते हैं और इन्होंने 2018 में राजेश मोदक को हराया था जो कि वहां MLA थे और इस बार उन्हीं से चुनाव हारे हैं। तो युवा उम्मीदवार हैं, पार्टी ने उन पर भरोसा जताया है। तामध्वज साहू को टिकट मिला है। देखिए ये गृह मंत्री थे, OBC कैंडिडेट हैं और ये भूपेश बघेल की सरकार में काफी ताकतवर मंत्री बाबा माने जाते थे और माना जाता था कि ये नंबर 2 की हैसियत इनकी थी। शिव कुमार डहरिया को छत्तीसगढ़ से टिकट मिला है, ये आपके ST नेता हैं, पुराने नेता हैं और भूपेश बघेल की सरकार में ये भी मंत्री रहे हैं। और ज्योत्सना महंत को मिला है टिकट कोरबा से। आपको पता ही होगा कि चरणदास महंत की ये पत्नी है जो कि वहाँ अभी सांसद हैं और चरणदास महंत का बड़ा राजनीतिक करियर रहा है, वो केंद्रीय मंत्री भी रहे और स्पीकर भी थे, जब कांग्रेस की सरकार थी तो वो स्पीकर थे। और राजेंद्र साहू को टिकट मिला है, ये साहू समाज से आते हैं और राजेंद्र साहू को जहां से टिकट दिया गया है वहां सबसे ज्यादा साहू समाज के उम्मीदवार मतदाता है। दुर्ग संसदीय क्षेत्र से उनको टिकट दिया गया है और जो सबसे महत्वपूर्ण नाम है वो भूपेश बघेल का है जो कि राजानंद गांव से चुनाव लड़ रहे हैं। और भूपेश बघेल के बारे में आपको बता दें कि वो जो उनका वो रमन सिंह के क्षेत्र में जाकर उनको चुनौती दे रहे हैं जी। और रमन सिंह यहाँ से MLA हैं और भूपेश बघेल हालांकि कि खुद भिलाई दुर्ग जिले के रहने वाले हैं, पाटन उनका घर है, तो भूपेश बघेल के लिए आप कह सकते हैं कि ये लड़ाई काफी टफ होने वाली है। और कर्नाटक का जब बताइए, कर्नाटक में पहले छत्तीसगढ़ का बता दें, छत्तीसगढ़ में एक तो भूपेश बघेल वाली लड़ाई काफी इंटरेस्टिंग होगी क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री हैं और बड़े नेता को जो है चुनाव लड़ाया कांग्रेस ने। भूपेश बघेल ने एक दिन पहले कहा था कि उनकी वो तो चाहते थे कि सबको चुनाव लड़ाएं और उनको फ्री रखा जाए, आज भी कहा उन्होंने, आज भी ये बयान दिया और लेकिन उन्होंने साथ में ये कहा था पार्टी जो तय करेगी, तो पार्टी ने तय कर दिया उनको राजनांदगांव से, अब उनके ऊपर है कि वो सीट वो हालांकि फाइट मानी जा रही है और मजबूत सीट है भाजपा है, तो उनका जो है संतोष पांडे से उनका मुकाबला होगा। एक और सीट जो है जहां बहुत मजेदार फाइट आपको छत्तीसगढ़ में देखने को मिलेगी वो कोरबा की सीट है, जहां पे ज्योत्सना महंत जो कि सिटिंग MP है कांग्रेस की, उनका मुकाबला सरोज पांडे से होगा। सरोज पांडे भी एक बहुत चर्चित चेहरा है बीजेपी में, छत्तीसगढ़ से आती हैं, राज्यसभा में रह चुकी हैं और इस बार उनको जो है बीजेपी में बड़े 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 पद पे रही, संगठन में रही और तो ये जो ये लड़ाई जो है काफी इंटरेस्टिंग आपको छत्तीसगढ़ में सीटों पे देखना वो आपको दिखाई देगी। बीजेपी ने जो सीटें घोषित की है उनमें अपने 7 सांसदों का टिकट उन्होंने चेंज किया है, तो निश्चित रूप से बीजेपी को भी पता है छत्तीसगढ़ में यदि उनको 9 से 11 तक पहुंचना है जो कि वो कह रहे हैं, अभी तक जो है 9 सीट है, 11 में से 2 कांग्रेस के पास है, उसके बज में उन्होंने अपने सांसदों के टिकट काटे हैं, तो उसको देखते हुए कांग्रेस ने भी पूरी तैयारी के साथ जो है वो मजबूत कैंडिडेट इस बार उतारे हैं। जैसा कि सदाब ने कहा, चाहे रायपुर से हो, चाहे दुर्ग से हो, राजेंद्र साहू, भूपेश बघेल हो, ज्योत्सना महंत हो और जांजगीर चंपा की जो सीट है वो पिछली बार जो है कांग्रेस केवल 5,000 वोट से जो है वो एक बात और बताना जरूरी है कि कांग्रेस पार्टी ने ये डिसीजन लिया है कि जो जितने भी बड़े नेता हैं वो लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे, इसीलिए आपने देखा कि जो छत्तीसगढ़ की सूची आई या जो सूची आई है इसमें महत्वपूर्ण नेताओं को टिकट दिया गया है, जो अगली सूची आएगी उसमें भी दिया जाएगा, लेकिन फिलहाल हम इस सूची की अभी चर्चा कर रहे हैं। आप अगर कर्नाटक के कुछ नाम बताएं कि कौन कौन लड़ रहा है। कर्नाटक का नाम मैं बता देता हूं, बीजापुर से दिया गया है HR अलगुर को, ये इंडिपेंडेंट जो है वो चुनाव लड़ रहे हैं पहले से। हवेरी से जो है आनंद स्वामी गड्डा दिवेरा मठ को दिया गया है, इनके फादर भी MLA होते थे, पुराने नेता हैं, कद्दावर नेता हैं। सबसे इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण नाम जो है वो है शिमोगा से गीता शिव राजकुमार जो है वो जो है एक्टर हैं, एक वहां पे कर्नाटक जो एक राजकुमार जिनका अपहरण हुआ था उनकी बहू हैं और ये जो है गीता शिव राजकुमार जो है ये बंगरप्पा की बेटी है। बंगरप्पा जो है हमेशा से शिमोगा की सीट पर जीते आए, मुख्यमंत्री भी रहे, बड़े नेता और इनके पति भी एक्टर हैं वहां पर जो है कर्नाटक में। उसके अलावा एक मांड्या से जो टिकट दिया गया है स्टार चंदू वेंकटर रामे गौड़ा,
इनके बारे में कहा जा रहा है कि इन्होंने कोरोना के समय बहुत अच्छा काम किया, एक बिल्डर है तो मजबूत उम्मीदवार है मांडिया से। आपको मालूम है कि मांडिया जो है वो काफी महत्वपूर्ण है, वहां से इनको एक कड़ी टक्कर वहां पर मिलेगी। बेंगलोर रूरल जो है डीके शिव कुमार के भाई डीके सुरेश को दिया गया, ये सीट पहले भी कांग्रेस ने जीती थी। और एक सुरेश पटेल, एक डीके सुरेश के बारे में बता दें कि डीके सुरेश काफी चर्चा में रहे हैं। आपको याद होगा कि उन्होंने बयान भी दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि साउथ इंडिया के साथ नाइंसाफी हो रही है, मोदी सरकार नाइंसाफी कर रही है। और जब जब मुख्यमंत्री बनने की बारी आई थी तो वो अपने भाई के लिए वो काफी कोशिश भी कर रहे थे। तो डीके शिवकुमार काफी चर्चित नाम है कर्नाटक की राजनीति और सिटिंग एमपी। एक और नाम है जो काफी महत्वपूर्ण है, वो हासन से। हासन की सीट आपको मालूम है, देवगौड़ा की परंपरागत सीट है और वहां पे सुरेश पटेल गौड़ा को दिया गया है। ये जो मुकाबला काफी महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि यहाँ पर देवगौड़ा के पोते और देवगौड़ा के बेटे रवन्ना के जो बेटे हैं वो जो है प्रज्वाल गौड़ा, वो जो है उनके खिलाफ जो है सुरेश पटेल का मुकाबला होना है। केरल की बात कर लेते हैं, केरल के जो करीब करीब सभी नाम आ गए हैं। 16 सीटों पर कांग्रेस लड़ रही है राहुल गांधी के अलावा। राहुल गांधी वायनाड से लड़ रहे हैं, लेकिन एक सबसे बड़ा नाम है वो है अलापुर्जा से केसी वेणुगोपाल का। राहुल गांधी वायनाड से लड़ेंगे और दूसरा जो उनके जो सबसे नजदीकी हैं और संगठन के महासचिव है। अब यहाँ पे एक जो है पेच है, यहाँ पे पेच ये है कि केसी वेणुगोपाल जो है ना राजस्थान से राज्यसभा में और उनका टेन्योर जो है अभी बचा हुआ है, तो उनको जो टिकट दिया गया है तो क्या जब यदि जीत जाते हैं और वो जो राज्यसभा की सीट वो छोड़ेंगे क्योंकि उनका कार्यकाल जो है 2026 तक है, तो वो जो सीट यदि केसी वेणुगोपाल खाली करेंगे वो सीट कांग्रेस नहीं जीत पाएगी क्योंकि मेजोरिटी अब उतनी बड़ी नहीं रही। हाँ बिल्कुल, जानकारी भी देते हैं। देखिए केसी वेणुगोपाल जो है जिस सीट से लड़ रहे हैं वो बड़ी टफ सीट मानी जा रही है और राज्यसभा मेंबर हैं आपने बताया भी। और ये भी दर्शकों को बता दें कि इस वक्त कांग्रेस के सबसे ताकतवर महासचिव माने जा रहे हैं। नहीं, यहां से लेकिन अलापुर्जा से ना वो विधायक रह चुके हैं, पिछला चुनाव लोकसभा का उन्होंने नहीं। जो रुतबा अहमद पटेल को हासिल था सोनिया गांधी के समय में वो रुतबा अभी केसी वेणुगोपाल को हासिल है। और माना जाता है कि राहुल गांधी के जो फैसले होते हैं उनमें केसी वेणुगोपाल का हाथ है। उनको वायनाड भी ये ले गए थे, आपको याद होगा बाबा, कि जब पहली बार ये चुनाव लड़े थे राहुल गांधी तो लोगों ने कहा कि केसी वेणुगोपाल उनको वायनाड ले गए। तो अब इस बार वो खुद भी लोकसभा से चुनाव लड़ रहे हैं, राहुल गांधी वायनाड से लड़ रहे हैं, कोझिकोड से एमके राघवन लड़ रहे हैं तीसरा टर्म है, पालाकाड से वीके श्रीकंदन लड़ रहे हैं सेकंड टाइम है, अलाथूर से रामिया हरिदास लड़ रही है उनका भी सेकंड टर्म। ये सब कांग्रेस एक नाम और भी जरूरी है जो बता दें कि एर्नाकुलम से ईबी हिडेन लड़ रहे हैं। ये एनएसयूआई जो भारतीय राष्ट्रीय युवा जो स्टूडेंट विंग है, छात्र संगठन है कांग्रेस का, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे थे, बाद में हटाए गए थे, कुछ विवाद हुआ था और फिर उसके बाद ये पहली बार सांसद बने थे और अब ये उनका दूसरी बार चुनाव लड़ रहे हैं। तो युवा चेहरा है, युवा नेता है केरल के और इनको टिकट दोबारा दिया गया। उसी तरह त्रिशूर से जो है के मुरलीधरन लड़ेंगे, करुणाकरन के बेटे हैं, पिछले बार इनका सीट चेंज किया गया था, हालांकि इनकी बहन अभी चली गई है भाजपा, इसलिए इनको लाया गया था और उसके बाद इन्होंने ये सीट पिछले बार भी निकाली थी, इस बार भी इनको दिया गया है। और अब कोडिकुनिल सुरेश को दिया गया है, ये एससी सीट है मवली एक का। सुरेश आपको याद होगा मंत्री भी रहे थे, पांच बार या छठा टर्म होगा, मनमोहन सिंह सरकार में मंत्री रहे थे और पार्टी के ताकतवर नेता माने जाते हैं और केरल में कांग्रेस का एक फेस माने जाते हैं। पथा नाम मिथा है, एंटो एंटोनी को दिया गया, इनका भी चौथा टर्म है। अटिंगल से अदूर प्रकाशन प्रकाश को दिया गया, ये भी इनका सेकंड टर्म है। तिरुवनंतपुरम से शशि थरूर, इनका शशि थरूर का परिचय देने की जरूरत नहीं है, दर्शक जानते हैं कि शशि थरूर कौन है। और इनका मुकाबला अभी सरकार में जो मंत्री हैं, जो आईटी मिनिस्टर हैं, उनके साथ होने वाला राजीव चंद्रशेखर को बीजेपी ने वहां पर। और शशि थरूर के बारे में एक जानकारी और भी दे दें कि शशि थरूर वो नेता है जिनकी काफी फैन फॉलोइंग है। शशि थरूर कांग्रेस अध्यक्ष का भी चुनाव लड़े थे, जो भी मौजूदा अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे उनके खिलाफ, और काफी चर्चा में बने रहते हैं, खासतौर पे जो शशि थरूर की जो लाइफ स्टाइल है उसको लेकर भी सोशल मीडिया पर चर्चा होती है। हालांकि डिसेंट पर्सनालिटी है उनकी और अच्छा बोलते हैं, अच्छा लिखते हैं और पूरी दुनिया में उनका नाम है। तो शशि थरूर का मुकाबला होगा राजीव चंद्रशेखर से। राजीव चंद्रशेखर जो है के बारे में कहा जाता है कि वो हालांकि वो एक बड़े ही टीवी नेटवर्क के मालिक है जहां जो केरल के, लेकिन आते हैं वो कर्नाटक से और ये बहुत इंटरेस्टिंग मुकाबला। एक बाबा जानकारी दे देते हैं जिसके बारे में थोड़ी जानकारी हमको है, लक्षद्वीप से पीएम सईद के बेटे हमदुल्ला सईद को टिकट दिया गया है। आपने बताया कि पीएम सईद के बेटे हैं और खास बात यह है कि ये एक बार सांसद रहे
और बाद में चुनाव ये हार रहे हैं। एनसीपी के मोहम्मद फैजल ने इनको 2 बार चुनाव हराया है वहां से, और आपको आपको याद होगा कि मोहम्मद फैजल वही उम्मीदवार हैं जिनको अयोग्य घोषित किया गया था कोर्ट ने, मैं मिला था और बाद में फिर उनको उनकी बहाली हुई। तो ये फाइट टफ है। देखिए पीएम सईद की जो लेगेसी है वो हमदुल्ला सईद बरकरार नहीं रख पाए, वरना पीएम सईद लगातार वहां से 6 बार से ज्यादा सांसद बने थे, लेकिन हमदुल्ला सईद 1 बार सांसद बने और फिर चुनाव हार गए। जी हाँ, और आपको बता दूं कि ये जो एनसीपी के साथ, हालांकि कांग्रेस हर जगह गठबंधन करती है लेकिन यहाँ पर जो है एक दूसरे के खिलाफ लड़ती है, और एनसीपी ने हमदुल्ला सईद को हराया हुआ है और उनकी युवा उम्मीदवार है, उनकी सदस्यता चली गई थी। केरल में एक मामला हुआ था, उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट वो गए, सुप्रीम कोर्ट के से जीते, उसके बाद उनकी सदस्यता बहाल हुई है। कुछ और नाम है, मेघालय शिलोंग से है, शिलोंग को घोषणा कर दी गई है। तुरा शिलोंग से बता दे विंसेंट पाला के बारे में। विंसेंट पाला देखिए पुराने नेता हैं, ये भी मनमोहन सिंह सरकार में मंत्री थे, बड़े बिजनेसमैन हैं वहाँ मेघालय के, और डिसेंट नेता हैं, हालांकि कई तरह के आरोपों में भी घिरे रहे हैं। तो इनको इनको टिकट दिया गया है। सालेंग संगमा को टिकट दिया गया है तुरा से, जो लोकसभा स्पीकर रहे पीए संगमा, उनकी सीट है तुरा। हाँ, उनकी सीट है। हाँ, लेकिन ये उनके परिवार के नहीं है। हाँ, उनके परिवार ये वहाँ के विधायक वहाँ रह चुके हैं। नागालैंड में एस जमीर है, लेकिन वो एस जमीर नहीं है जो वहाँ के चीफ मिनिस्टर होते थे, उनके बेटे भी नहीं है। हाँ, उनके बेटे सिक्किम से गोपाल छेत्री को टिकट मिला है, ये भी पुराने नेता है कांग्रेस के, कद्दावर नेता माने जाते हैं। और अब आप बात करते हैं जहीराबाद की, सुरेश कुमार तेलंगाना की बात करें, तेलंगाना सुरेश कुमार शेटकर है तेलंगाना से, नालगोंडा से रघुवीर कुंदरू है तेलंगाना, महबूब नगर से चिल्ला रेड्डी है, और तेलंगाना की एक और सीट है महबूबाबाद, वहां से बलराम नायक पोरिका है। त्रिपुरा की एक सीट के लिए आशीष कुमार साहा दी गई है, एक सीट शायद हो सकता है टीएमसी को जाए, शायद नाम नहीं है। तो ये एक चीज और बता दे कि ये जो तेलंगाना की जो चारों सीट है, तो इसके बारे में माना जा रहा है कि चूंकि तेलंगाना में कांग्रेस की नई सरकार बनी है तो वहां बहुत ज्यादा एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, और जो कांग्रेस जहां जहां फाइट में है उनमें तेलंगाना भी एक राज्य है जहां पे माना जा रहा है कि कांग्रेस अच्छा प्रदर्शन करेगी, जिसमें कर्नाटक है, तेलंगाना है, इन 2 राज्यों में माना जा रहा है। तो तेलंगाना का टिकट कांग्रेस के लिए महत्वपूर्ण है और कम फाइट वाला है। चलिए, तो ये पहली लिस्ट है और इसमें केवल 39 नाम है। जिन दर्शकों को मायूसी होगी उनके लिए बता दें कि कांग्रेस ने साफ किया है कि उन्होंने उन राज्यों के नाम पहले घोषित किए हैं जहां वो गठबंधन में नहीं है। यदि आप उत्तर प्रदेश और बाकी राज्यों के उम्मीदवारों के नाम की का इंतजार कर रहे थे, थोड़ा इंतजार कीजिए, वहां पे जो है गठबंधन में है कांग्रेस। उत्तर प्रदेश में नाम इसलिए भी रोके गए हैं कि शायद मायावती के साथ कोई अंतिम दौर में कोई गठबंधन हो जाए, इसलिए आप देख रहे हैं कि अखिलेश भी जो है वो बाकी नामों की घोषणा नहीं कर रहे हैं। लोग इंतजार कर रहे हैं कि एक बार जो आचार संहिता लग जाए उसके बाद अभी कोई वहां पे उत्तर प्रदेश में स्थिति साफ होगी। बिहार, महाराष्ट्र, बाकियों की नाम जो है, क्योंकि वहां पर अभी भी सीट शेयरिंग के लिए बातचीत चल रही है। अगली सूची की डेट भी बता देते हैं कि 11 तारीख को फिर कांग्रेस की जो ये इलेक्शन कमेटी है उसकी मीटिंग बुलाई गई है 11 मार्च को, और माना जा रहा है कि जो तकरीबन 100 नामों पर चर्चा होगी, और जो कांग्रेस की जो सेकंड सूची है वो 12 मार्च तक आ सकती है। तो जैसा कि आपने कहा कि जहां सीधी फाइट थी वहां तो नाम अनाउंस हो गए, लेकिन जहां पे गठबंधन है, जहां पे बात चल रही है, वहां पे 11 मार्च को डिस्कशन होगा। चलिए, तो आज इतना ही, और जैसे ही रिजल्ट, जैसे ही और सूची आती रहेगी, मनोरंजन भारती और शादाब जो है उसका विश्लेषण देकर के आपके पास आते रहेंगे। पॉलिटिकल बाबा में हम दोनों को इजाजत दीजिए। नमस्कार। नमस्कार।